लोक आस्था का महापर्व छठ शांतिपूर्वक पूरे क्षेत्र में संपन्न हो गया है। एक ओर जहां डेहरी सहित तिलौथू, अमझोर, रोहतास, नासरीगंज, अकोड़ी गोला तमाम क्षेत्रों में लोगों ने सोन तट पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया, वहीं कल शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर लोगों ने छठ पर्व मनाया। डेहरी के एनीकट स्थित सोन नदी के तट पर भारी संख्या में श्रद्धालु छठ पर्व मनाने पहुंचे, वहीं तिलौथू, इंद्रपुरी, हुड़का इत्यादि कई इलाकों में लोगों ने सोन तट के साथ ही अपने घरों और आसपास के आहर पोखर में भी छठ पर्व को पूरे ही धूमधाम से मनाया। डेहरी में सोन घाटों पर लोगों ने अपने परिवार और परिजनों के साथ छठी माता की आराधना की और भगवान भास्कर को अर्घ दिया। वहीं तिलौथू सहित कई क्षेत्रों में भी बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया। एक ओर कई जगह पर छोटे छोटे पुल बनाए गए, वहीं कई जगह लोगों ने एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए नावों का प्रयोग किया और बीच सोन में जाकर छठी मैया की आराधना की। रामडिहरा में सूर्य मंदिर तो भादसा में सोन तट के किनारे छात्री युवा संघ के द्वारा पुल का निर्माण किया गया, जिससे काफी संख्या में छठव्रती बीच सोन में भगवान भास्कर की आराधना करने पहुंचे। वहीं तिलौथू के उत्तर पट्टी में नाव के द्वारा लोगों को भगवान भास्कर की आराधना के लिए बीच सोन में पहुंचाया गया, जहां पर भारी संख्या में लोग भगवान भास्कर की आराधना करते हुए छठी मैया का पूजन अर्चन किया। डेहरी एक्सप्रेस न्यूज के लिए डेहरी से अनिल कुमार के साथ तिलौथू से राजीव रंजन, राजू मार्कोनी, अनिल कुमार कौशल की रिपोर्ट। छठ पर्व जो है वो हमारे सांस्कृतिक विरासत है। इसमें सबसे मूल बात है शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और इसमें भक्त और ईश्वर दोनों का सीधा संपर्क है। आमतौर पर जो दूसरे पूजाओं में होता है माध्यम रहता है, इसमें कोई माध्यम नहीं है और सारे लोग सीधे। और सबसे मूल बात जो है छठ पर्व की यह है कि इसमें सबसे पहले हम अस्त होते सूरज को नमन करते हैं, अस्त होते हुए सूरज की पूजा करते हैं। आमतौर पर ऐसा हमारे सांसारिक जीवन में नहीं होता है, उगते हुए सूरज को सारे लोग नमन करते हैं, लेकिन हमारा ये त्यौहार ये बताता है कि सबकी अपनी महत्ता है और सबसे पहले और जो अस्त हो रहा है उसका उदय